नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद पुनीत पे। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम कुछ इंग्लिश वर्ड सीखेंगे जो कि हम रोज़ डेली लाइफ में यूज करते हैं। कुछ सेंटेंस है जिसे हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, उसका इंग्लिश क्या होता है, अगर हमें इंग्लिश में उसे यूज करना है तो कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा वर्ड है एक फ्रेज है। फ्रेज क्या होता है हमने पुरानी क्लास में बता रखा है आपको, प्रीवियस क्लासेज में। तो आज का हमारा फ्रेज है मेक डू प्लस, इसके साथ प्रीपोजिशन हमेशा आता है विथ। मेक डू विथ समथिंग, समथिंग की जगह पे आप कुछ भी रख सकते हैं। अभी एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा, समथिंग की जगह पे आप कोई वस्तु रख सकते हैं। तो बेसिकली फ्रेंड, जो मेक डू है, इसका मेक डू है, इसका मतलब ये होता है मैनेज विथ लिमिटेड सोर्सेस। मैनेज विथ लिमिटेड, यानी कि इसका हिंदी होता है काम चलाना। काम चलाना, जैसे आप कभी नहीं कहते हैं कि आपके पास काम चलाना क्या होता है। जब कोई चीज़ है जो आपको चाहिए, एक स्टैंडर्ड उसकी वैल्यू है जो चाहिए, अगर वो नहीं है तो आपको उससे काम चलाना पड़ेगा। यानी कि जो आपको चीज़ चाहिए वो एक्यूरेट नहीं है, उससे वैरी कर रहा है। तो जितना चाहिए उससे कम है, तो आपको उससे क्या करना पड़ेगा, काम चलाना पड़ेगा। तो किसी भी बात में अगर काम चलाना हमें बोलना है तो उसके लिए हम हमेशा इंग्लिश में मेक डू विथ का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक नया कार खरीदना है और आपके पास पैसे नहीं है, तो आपने किसी से बोला मुझे नया कार खरीदना, पैसे नहीं है, तो कोई क्या सजेशन देगा, आपकी जो पुरानी कार है तब तक उसी से काम चलाइए। तो ऐसे आपको कहना है कि पुरानी कार से काम चलाइए, तो आप उसे कहेंगे इंग्लिश में मेक डू विथ एन ओल्ड कार, मतलब पुरानी कार से काम चलाओ। मेक डू विथ एन ओल्ड कार, मेक डू विथ एन ओल्ड कार, पुरानी कार से काम चलाओ। ऐसे ही मान लो फ्रेंड्स, आपको आपको कुछ पैसे की ज़रूरत है, आपने अपने पेरेंट्स से कहा कि मुझे 500 रुपये की ज़रूरत है। मान लीजिए उनकी सैलरी नहीं आई है, उनके पास भी पैसे नहीं है, तो क्या कहते हैं, कहते हैं कि तब तक इतने पैसे ले लो, काम चलाओ। मान लीजिए वो 100 रुपये दे देते हैं, तो इसको अंग्रेजी में कैसे कहेंगे, मेक डू विथ 100 रुपीज, मतलब 100 रुपये से काम चलाओ। मेक डू विथ 100 रुपीज, पुराने कार से काम चलाओ, मेक डू विथ एन ओल्ड कार, 100 रुपये से काम चलाओ, मेक डू विथ 100 रुपीज। ऐसे ही फ्रेंड्स, हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे थर्ड नंबर पे हमारा एग्जांपल है मेक डू विथ अ सिंगल रूम। मान लीजिए आपको कहीं रेंट पे रूम लेना है, आपको 2 रूम की ज़रूरत है, लेकिन रेंट हाई होने से आपको क्या होगा, एक ही रूम है, तो आपसे कोई कहेगा यही कि तब तक एक रूम से काम चलाओ, तो इसे अंग्रेजी में कहेंगे मेक डू विथ अ सिंगल रूम। वैसे ही मान लीजिए आपका फ़ोन टूट गया है और आपको पैसे नहीं है उसको रिपेयर कराने के लिए, तो किसी से आप कहेंगे तो वो क्या कहेगा, वो यही कहेगा मेक डू विथ अ ब्रोकन मोबाइल, मतलब टूटे हुए मोबाइल से ही काम चलाओ, मेक डू विथ अ ब्रोकन मोबाइल। फिर अगर हम बात ये करते हैं कि आपको नई पुरानी किताब आपके पास मान लीजिए 50 रुपये की मिल रही है और नई किताब 100 रुपीज की मिल रही है, और आपके पास 100 रुपीज नहीं है और पुरानी किताब है जिससे काफ़ी हद तक आपका काम चल सकता है, तो इसको अगर अंग्रेजी में बोलना है तो हम कैसे बोलेंगे, यू विल हैव टू मेक डू विथ एन ओल्ड कार, यानी कि तुम्हें पुरानी किताब से ही काम चलानी पड़ेगी। यू विल हैव टू मेक डू विथ एन ओल्ड बुक, तुम्हें पुरानी किताब से ही काम चलानी पड़ेगी। यहाँ जो विल के बाद हैव टू है, ये कभी भी लग रहा था उसका अर्थ होता है मतलब मजबूरी में कोई काम करना या कंपलसरी हो जाए कि यही काम करना है, और यह जिसका हिंदी में अर्थ है पढ़ता है, पढ़ती है। जैसे यू विल हैव टू मेक डू विथ एन ओल्ड बुक मीन्स आपको पुरानी किताब से ही काम चलानी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, आपने ये देख लिया कि आज का एक वर्ड है मेक डू विथ समथिंग, मतलब काम चलाना, मैनेज विथ लिमिटेड, मतलब जो भी चीज़ें अवेलेबल है उसी से काम चलाना। जैसे अगर आपके पास ओल्ड कार है तो मेक डू विथ एन ओल्ड कार, पुरानी कार से काम चलाइए। ऐसे ही आप किसी तरह कह सकते हैं, आप जैसे मैच खेलते हैं, मैच खेलने के लिए आपके पास 2 बैट की ज़रूरत है क्रिकेट मैच के लिए, लेकिन अगर आपके पास एक ही बैट है तो उससे आप क्या कहेंगे, मेक डू विथ अ सिंगल बुक, सॉरी मेक डू विथ एन सिंगल बैट, यानी कि आप एक ही बैट से काम चलाइए। इसी तरह से फ्रेंड, इस तरह से आप डेली बोले जाने वाला जो भी वाक्य है, जो भी सेंटेंस है जो आप डेली रूटीन में यूज करते हैं, उसको अगर अंग्रेजी में बोलना चाहते हैं तो आप मेक डू विथ से बहुत सारे स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर नए नए स्ट्रक्चर बना के हमें पोस्ट करिएगा, ताकि आपको ये सीखने में और आसानी हो। और ऐसे ही वर्ड लेके मैं आता रहूँगा डेली इंग्लिश स्पीकिंग लर्निंग की क्लास में। थैंक यू।